हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अपने पिक्चर्स के पीछे टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं, जिसके लिए हम स्नैपसीड ऐप का यूज़ करेंगे। फाइनल रिजल्ट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइए अगर आपको वीडियो पसंद आता है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इमेज को अपने स्नैपसीड ऐप में ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे टूल्स मेन्यू में और सबसे लास्ट में आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके अपने टेक्स्ट का फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट के फॉन्ट बताए गए हैं, आपको जो भी पसंद है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर डबल टैप करके जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए और फिर एंटर दबा दीजिए। तो आपके टेक्स्ट को साइज एंड शेप एडजस्ट करके ओके दबा दीजिए। यहाँ पे आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। हम ठीक है, आपको जो भी कलर पसंद आए उसको आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद दबा दीजिए डन। यहाँ पे हम जाएंगे स्टैक्स मेन्यू में, व्यू एडिट्स, और आपको राइट साइड में लेयर्स दिखेंगे। आपने जो इमेज में जो जितने भी एडिट किए होंगे उन सब के लेयर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और सभी लेयर्स पे आप पर्टिकुलरली एडिट कर सकते हो। तो हम टेक्स्ट में जाएंगे, एडिट। अब टेक्स्ट का वैल्यू हम 100% रख के उसको ब्रश करेंगे। यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि टेक्स्ट वैल्यू 100% है। अगर टेक्स्ट का वैल्यू 0 होगा तो जितना भी टेक्स्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा और 100 रहेगा तो जहाँ पे भी आप ब्रश करोगे वहाँ पे हमारा टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा। अब देख सकते हो कि मैं अगर टेक्स्ट ब्रश का वैल्यू 0 कर दूंगा तो जहाँ पे मैं फिंगर मूव कर रहा हूँ वहाँ से टेक्स्ट रिमूव हो रहा है। तो वापस से हम ब्रश वैल्यू 100 करके जितनी भी जगह पे अपने फॉन्ट चाहिए वहाँ पे हम ब्रश कर लेंगे। आप भी ये स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आप जो भी चाहिए वो लिख सकते हो और जैसा फॉन्ट चाहिए वो अपनी मर्जी के हिसाब से चूज कर लीजिए। अपनी इमेज के ऊपर जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर से हमको ये फॉन्ट को रिमूव कर देना है। इतनी जगह से ही हमको फॉन्ट को रिमूव करना है, बाकी की जगह पे फॉन्ट को रखना है। इसलिए क्या है कि 3D इफेक्ट आपको मिलेगा, ऐसे लगेगा कि फॉन्ट जो हमारा है टेक्स्ट है वो अपने सब्जेक्ट के पीछे से आ रहा है। जितना प्रिसाइजली आप ब्रश करोगे उतना अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपको। तो ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर अगर आप थोड़ा टाइम इसमें इन्वेस्ट करोगे तो रिजल्ट भी आपको बेटर मिलेगा। ठीक है, मैं भी थोड़ा फास्ट फट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जितना जूम इन करोगे तो ब्रश इतना ही शार्प वर्क करेगा। अगर आपको सॉफ्ट टच चाहिए तो जूम आउट करके यूज कर सकते हो, और अगर शार्प टच चाहिए तो कुछ जूम इन करके ट्राई कीजिए। अगर कोई भी जगह पे थोड़ा ज़्यादा ब्रश हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप वापस से ब्रश वैल्यू 0 करके उसको रिमूव कर सकते हो। तो चलिए, हमारा ये टेक्स्ट रेडी हो चुका है तो हम कर देंगे डन। पर उसके पहले यहाँ पे जो आई आइकन है उसके ऊपर टच करके आप देख सकते हो कि कहीं पे अपने सब्जेक्ट के ऊपर तो ब्रश नहीं हो गया ना, तो हम उसको क्रॉस चेक कर लेंगे और सब ठीक लगने के बाद हम कर देंगे डन और अपना इमेज रेडी है। अब उसको कर देंगे हम एक्सपोर्ट।
उसके बाद हम एक और फोटो एडिट करेंगे, ठीक है। वापस से हम जाएंगे टेक्स्ट मेन्यू में, जो भी फॉन्ट पसंद हो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल के, ठीक है। तो हमने ये L1 फॉन्ट सेलेक्ट कर दिया। वापस से करेंगे डबल टैप और इस बार हम लिखेंगे पिक्चर, लिख के हम कर देंगे एंटर। साइबर शेप चूज करके आप उसका पोजीशन सेट कर लीजिए। उसके बाद कर लीजिए कलर चेंज अपने हिसाब से, जो भी इमेज के ऊपर सेट हो रहा हो। यहाँ पे आप ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हो, अगर किसी को थोड़ा ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट चाहिए तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, पर मुझे ये फुल ओपेसिटी में ही इमेज पसंद है तो मैं यही रख लेता हूँ। कर लीजिए डन। वापस से हम जाएंगे स्टैक्स मेन्यू में, व्यू एडिट्स, यहाँ पे टेक्स्ट का लेयर दिख रहा है उसके ऊपर दबा के एडिट टेक्स्ट। वापस से हम जाएंगे ब्रश वैल्यू 100 और जहाँ पे भी हमको चाहिए वहाँ पे हम ब्रश कर लेंगे। अब आप देख सकते हो जैसे हम जूम आउट कर रहे हैं ना तो ब्रश बड़ा होता जा रहा है, तो आप देख सकते हो कि जो सॉफ्ट जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ उसके आसपास बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रश वैल्यू दिख रहा है आपको। तो आपको अगर सॉफ्ट टच चाहिए तो जूम आउट करके उसको ब्रश कीजिए, देख सकते हो आप सॉफ्ट टच मिल रहा है आपको। और अगर आप जूम इन करोगे तो आपको एकदम शार्प टच मिलेगा, देख लीजिए आपको डिफरेंस दिखेगा दोनों में, ठीक है। वापस से हम रिमूव कर लेंगे सब कुछ और अपना जो टेक्स्ट है उसको विजिबल कर देंगे ब्रश वैल्यू 100 करके, ठीक है। ठीक है, पूरा टेक्स्ट को विजिबल कर दिया। अब जहाँ पे भी हमारा ऑब्जेक्ट है वहाँ से उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो जितना जितना हो सके उतना जूम इन करेंगे, वहाँ पे हमारे इमेज का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर से हम उसको रिमूव कर देंगे। आप अपने हिसाब से भी अपने फ़ोटो में चेंजेस कर सकते हो। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप अपने एडिट किए हुए फ़ोटोज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी सेंड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा, इमेज आपका अच्छा होगा तो मैं उसको पोस्ट करूंगा। तो देख सकते हैं कि हमारा फिर फोटो ऑलमोस्ट एडिट हो चुका है, ठीक है।
आपको ये हमारा एडिट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।